इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आखिर वही हुआ जिसका डर था, फिर एक बार कोरोना की आड़ में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। आखिरकार कोरोना मरीजों को मद्देनजर हुकूमत की जानिब से नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया है। ऑल पार्ट मीटिंग में यह फैसला शाम देर तक तबादले ख्याल के बाद लिया गया, जिसमें तमाम सियासी पार्टियों के नुमाइंदे शरीक रहे। हासिल इत्तला के मुताबिक कल 21 अप्रैल से रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात के कर्फ्यू का ऐलान किया गया। इस वक्त हफ्ते का कर्फ्यू यानी जुमा रात से पीर के रोज सुबह तक तमाम कारोबार बंद रखने का फैसला भी लिया गया। इस फैसले के बाद आवाम में मुख्तलिफ राय देखी जा रही है। आवाम की जानिब से यह सवाल किया जा रहा है कि मरीजों के इजाफे को लेकर अचानक इस तरह के फैसले से गरीब आवाम को काफी दिक्कतें उठानी पड़ सकती है, और शनिचर इतवार दो दिन का कर्फ्यू से गरीब मजदूरों की तो कमर ही टूट सकती है। इस तरह के फैसले लेने से पहले एक बार आवाम की भी तो राय जानने की कोशिशें हुकूमत क्यों नहीं करती। वही बढ़ते मरीजों के मद्देनजर अगर नाकामी हो रही है तो इसके लिए रियासत और मरकजी हुकूमतें जिम्मेदार हैं, जिसकी कीमत आवाम को चुकानी पड़ रही है। जहां पर कुंभ और चुनाव की रैलियां बेखौफ भीड़ इकट्ठा की जाती, इन पर पाबंदियां आयद नहीं की जाती। अमित शाह और मोदी बेझिझक लाखों की भीड़ को जमा करते हैं, और जब कोरोना मरीजों में इजाफा होने लगता है तो आवाम को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लिहाजा रात का कर्फ्यू और हफ्ते का कर्फ्यू इसका इलाज नहीं है। आवाम पर सख्तियां बरती जाए, पर कर्फ्यू लॉकडाउन जैसे फैसलों से आवाम को ही इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कर्नाटक में अचानक इस फैसले के बाद मुख्तलिफ शहरों में क्या रात के कर्फ्यू कहते कहते लॉकडाउन की तरफ तो नहीं बढ़ रहे, ऐसा सवाल भी किया जा रहा है। पिछले मरतबा इसी तरह से पहले जनता कर्फ्यू के नाम पर एक दिन ही का कर्फ्यू किया गया, इसके बाद जो हुआ पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया में देखा कि क्या हालत इस मुल्क की हुई थी। जो तस्वीर जनता कर्फ्यू के बाद जो मुस्तकिल कर्फ्यू लगाया गया, मुल्क को दुनिया में शर्मिंदा होना पड़ा। अगर मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आवाम नहीं बल्कि हुकूमत की गलत पॉलिसियां, गलत मंसूबाबंदी जिम्मेदार है। रमजान का महीना लिया था, नमाज और जिक्र अस्कार तरावी पढ़ी जाती है, रात के कर्फ्यू से तरावी की नमाजों पर भी असर हो सकता है। पिछले रमजान भी इसी तरह लॉकडाउन की नजर हुआ था, क्या फिर एक बार कोरोना के बहाने रमजान की महफिलों से महरूम होना पड़ेगा? ऐसा अंदेशा आवाम के जहन में आ रहा है। आखिर कोरोना मर्ज इस मुल्क को कहां ले जाकर छोड़ेगा, इसका अंदाजा फिलहाल तो लगाना बहुत मुश्किल है। जो भी है पर असरात कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे, जिसका खामियाजा तो आखिरकार गरीब आवाम को ही भुगतना पड़ेगा। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।